गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देखें यार, सुबह सुबह कितने मज़े की स्नो हो रही है, और अचानक वाली स्नो थी। पता था आज होनी है, लेकिन कंफर्म नहीं था, 50-50 पे था, लेकिन अचानक सनापी की आवाज़ आई स्नो हो रही है। मैं तो भागी गई नीचे, शूज़ भी नहीं पहने हुए थे, नीचे से शूज़ पकड़े किसके जिसके भी थे, बस वीडियो बनवाई। उसके बाद ये कहते हैं हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो सब फुल पैक थे क्योंकि हमने जाना था कवेदा फुल स्नोफॉल में, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि कहीं पर हो ना हो वहाँ पर लाजमी होगी। तो लास्ट टाइम मुर्सा इन्हीं डेज़ में आए थे, लेकिन फुल स्नो होती थी। पता नहीं इस दफ़ा क्यों नहीं हुई स्नो, इस दफ़ा पूरे यूरोप में बहुत कम स्नो हुई है। खैर हम जा रहे थे, बहुत मज़े का वेदर था, मतलब स्नो हमें मिल जाते साथ ही, निकलते साथ ही हमें मिल गई थी। इतना कमाल का वेदर था यार, और हल्की हल्की स्नो हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और बाकी शाजमा सो गई हुई थी, मुतखर जाग रहा था, और मुर्सा तो ऑब्वियसली जाग रहे होंगे, सना आप ही फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मुझे इस तरह का मौसम देख के एक सॉन्ग याद आया जो मैंने प्ले किया है। जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। तो बस यार यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे सना पीर मुर्चा को बार बार वॉशरूम बहुत आता है, तो यहाँ पे रुक के वो लोग वॉशरूम में थे, और बाहर स्नो आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों मैं बाहर निकल के थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाऊँ, पिक्चर्स ली। और इतने मज़े की स्नो थी यार, कसम से सर्दी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी यहाँ पे, हाथ फ्रीज नहीं हो रहे थे मेरे। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डाउन था, आई थिंक सो -6 -7 था, लेकिन स्नो हो रही थी तो इतनी सर्दी फील नहीं हो रही थी। तो शाजमा को कहा, शाजमा बाहर आ जाए, शाजमा सो गई थी, मुतखर बाहर आ गया था। तो शाजमा तो पूरा रास्ता यार कसम से सो के जाती है, ये मुर्चा वॉशरूम करके आ गए थे, मैंने मुर्चा को कहा चला एक पिक्चर लें, तो फिर हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई यहाँ पे स्नोफॉल। फिर आगे जाके फिर हम थोड़ा सा रुके थे, तो यहाँ पे इतनी मोटी मोटी स्नो थी ना यार, तो हवा तेज़ थी कि वो नीचे रुक नहीं रही थी, लेकिन बहुत मोटी स्नो थी, और मैंने लाइव स्नो फर्स्ट टाइम देखी थी, तो मेरी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। मैंने लाइव स्नो फर्स्ट टाइम देखी थी और मैं बहुत 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 खुश थी, मेरा कसम से ड्रीम था ये स्नो देखने का। तो वो मेरा पूरा हुआ स्नो में खेलने का, ये सब कुछ मुझे बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पे कसम से इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था, स्नो थी, और मतलब व्यू इतना कमाल का, घर लग रहे थे स्नो का। और ये ना हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गए थे ना, तो जिस रास्ते पे हमने जाना था, और यहाँ पे हमें पूरी स्नो ही मिलती जाएगी। हम थोड़ा सा आगे गए यार, इतना कमाल का, और इधर पिक्चर्स इतनी प्यारी आई थी, मतलब यहाँ पे जो अच्छा व्यू आता था ना वहाँ पे रुक के जाते थे। तो मुतहर साहब की बोंगियाँ साथ साथ चलती जाती थी कितनी, और पूरे रास्ते वो सो के जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं वो सोया था। शाजमा हर रास्ते में आपको सोई कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं, सना आपी, मुतहर और मुर्तजा, हमने तो हर जगह रुक के पिक्चर्स वगैरह लीं। और ये इतनी कमाल का व्यू था, इतने मज़े की पिक्चर्स आई यहाँ पे, और यहाँ पे स्नो फुल तेज़ हो गई थी, बहुत तेज़ स्नो थी यहाँ पे ना, तो बहुत कमाल, मतलब क्या आप, मैं बता नहीं सकती, मतलब कितना अच्छा जा रहा था हमारा सब कुछ यार। मैं ना कसम से, आप मेरा वॉइस सुनो ना, जो उधर मैं मतलब बोल रही थी गाड़ी में, मैं इतना खुश थी स्नो देख के कि बहुत खुश थी, और इतनी तेज़ स्नो, इतनी तेज़ स्नो, मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर उतर जाऊँ यहाँ पे, तो बस मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि बस मैं उतर जाऊँ, और इतना मज़ा मुझे आ रहा था, मैं तो पागल हुई हुई थी। जैसे कहते ना, बच्चा देख के, चीज़ी देख के पागल हो जाता है, मैं स्नो देख के पागल हुई हुई थी। तो पूरे रास्ते स्नो की तारीफें, मुर्चा कहते अब स्नो तेज़ है, अब स्नो तेज़ है, मतलब मैं मुर्चा के साथ मड़ी गई थी, वहाँ पे भी स्नो मुझे मिली थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं मिली थी। तो मुर्चा कहते थे आप जाती बर्फ़ के गोले आपके सर पे डले, तो बस मुझे बहुत शौक था, और मेरा कसम से शौक पूरा हो गया था यार। आप भी देख सकते कितना प्यारा व्यू है, और यहाँ पे मुर्चा अपने ना सॉन्ग बना बना के रैपर तैयार, रैपर मुतखर को तैयार करने में हाथ ही मुर्चदा का था, तो बस वो, इसलिए मैंने यहाँ पे मुर्चा की तो बिल्कुल वॉइस बंद कर देती हूँ, कि यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए मुझे लगाना पड़ता कि इनके अपने ही बोलना चुप नहीं होता। तो मैं तो, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं तो इतने मज़े मज़े के सॉन्ग प्ले कर रही थी। फिर आगे जाके इनको वॉशरूम आ गए थे, यहाँ पे रुक के उन सब ने वॉशरूम किया, और मैं खड़े होकर ऑब्वियसली वीडियो बनाई थी स्नो में। तो यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग लगाया था, तो वो आप भी सुने कौन सा सॉन्ग मेरा फेवरेट है। गाएगी ये जमीन,
एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमान, आएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था। तो बस यार हम यहाँ पे टर्न ले लिया था हमने, ठीक है, कविल्दा विलेज वाली साइड पे, ठीक है। मुझे ने उनकी नेविगेशन ना वो स्की रिजॉर्ट की लगाई हुई थी, तो हम उसी ट्रैक पे अब जाएंगे और यहाँ पे आपको सारी बर्फ़ नज़र आएगी। जब हम मतलब पाकिस्तान में मड़ी वाली साइड पे जाएँ नॉर्थन एरिया में, तो चेनें लगी होती हैं इतनी बर्फ़ पे, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसे ही जा रही थी। और यहाँ पे स्नो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन दरख्त थे तो जिसकी वजह से कम आ गए, तो आपको फुल दरख्त ही बर्फ़ वाले नज़र आएंगे। और इतना मतलब जैसे ऐसा था ड्रीम, आपका एक तरह ड्रीम कम्स ट्रू हुए हों। और इतना प्यारा व्यू था यार, मैं तो यहाँ पर मुर्चा कह रही थी रुकने का, लेकिन ना मुर्चा कह रहे थे कि आगे जहाँ पर जाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है, तो यहाँ पर रुक नहीं सकते दरमियान में ना, क्योंकि जो सी सड़क थी वो ऐसे ही थी, यहाँ पर रुक गए तो फंस जाएंगे, तो इसलिए मुर्चा ने रोका नहीं था। तो हम ऊपर, हमें यहाँ इसी ट्रैक पे आई थिंक तो आधा घंटा लग गया था, हमारा रास्ता था 2.5 घंटे का। तो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं शीशा नहीं खोल सकती थी, बच्चे थे, तो मुतखर तो इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं है। वो वैसे दोनों बच्चे पूरे रास्ते सोते जाते हैं, शादमा तो बहुत ज़्यादा ही सोई होती है, मुतखर भी सोता जाता है, लेकिन इस टाइम मुतखर नहीं सोया था, मुतखर बिल्कुल भी नहीं सोया था। और मुतखर की बोंगियाँ स्टार्ट थी कि इतनी टाइम वर्थ ट्राई, ट्रिलियन टाइम, बिलियन टाइम वर्थ ट्राई यहाँ पे आना हमारा। बस यार यहाँ पे हमने सॉन्ग से प्ले किए हुए थे मतलब पूरे रास्ते, मतलब इतना अच्छा ट्रैक था, इतना मज़े का ट्रैक था कि मैंने तो अपनी सारी मतलब जो वीडियो थी ना आपके साथ शेयर किए, कितना मज़े का ट्रैक है, आप भी देखें और सॉन्ग साथ साथ इंजॉय करें। बस यार यहाँ हम पहुँच गए थे, गाड़ी वगैरह हमने पार्क कर दी थी, और आप स्नो देखें यार, कसम से मेरी तो फर्स्ट टाइम था और मैं इतना खुश थी, मैंने अपनी हर ख्वाहिश पूरी की थी, डबल डबल सबने ग्लव्स पहने हुए थे, मैंने तो हर हरकतें अपनी कहते हैं ना हर बच्चों वाली हरकत पूरी की थी हमने। यहाँ पे मैंने अपना और मुर्सा का नाम लिखा, मतलब कई वीडियोज़ थी जो नहीं बना सकी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी अपने हाथ से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए थे तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे मुझे बड़ा शौक था बर्फ़ के साथ खेलने का, दरख्त के साथ ऐसा वैसा करने का, एक वीडियो नहीं बड़ी वीडियोस बनाई थी हमने, सब ने बनाई थी, मैंने मुर्चा सना आपी मतलब सब ने इंजॉय किया हमने यहाँ पे। तो पिंग्स थी यहाँ पे, झूले थे, मतलब यहाँ पे पार्क था, रिजॉर्ट था तो पार्क था, तो पिंग वगैरह लगी थी, हमने तो ऐसे ही बर्फ़ में स्लाइड्स पिंग सब कुछ ली। उसके बाद मैंने और मुर्चा को कहा कि मुर्चा मेरे साथ एक वीडियो बनवा लें इस तरह की, तो वो बनाई, मतलब यार कसम से बड़ा ही मज़ा आया। उसके बाद शाजा मुझे कह रही थी कि मुझे पिंग दे दो, तो मैंने उसको दी, और मतलब हाथ ऐसे फ्रीज़ हुए हुए थे, मतलब कसम से मैं बहुत खुश थी यार, यहाँ में मैं बहुत खुश थी, मतलब मेरे ख्वाब पूरा हुआ और मैं इतना खुश थी कि मैंने तो कोई वीडियो नहीं छोड़ी, इतनी वीडियोस यहाँ पे बना छोड़ी हैं मैंने। तो मुर्सा मुझे कहते हैं पूरे ट्रैवल में ना सबसे ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस आप ही किए हैं, तो भाई मैंने कहा मुझे शौक है, मैंने तो बनवानी है, मैंने पिंग ली, स्लाइड ली, कोई बच्चों वाली हरकत नहीं छोड़ी, ऐसे बर्फ़ उड़ा उड़ा के हमने फेंकी। तो यहाँ पर मुतखर का मूड ऑफ हुआ था, उसका तो हर जगह छोटी छोटी चीज़ पर मूड ऑफ रहता है, उसने था जी मैंने स्की करनी है, तो यहाँ पे था स्की बच्चे नहीं कर सकते, वो पीछे सब कर रहे हैं, लेकिन ये था बच्चे नहीं कर सकते, गिर जाएंगे, और बहुत टफ था यहाँ पे। मैं और सना भी एक दूसरे को ना गोले मार रहे थे बना बना के, तो सना भी मैंने बनाए, उसके बाद मुर्चा के साथ बना के मैंने फेंके, मुर्चा का मेरा वाला मुर्चा का लगा था, मुर्चा वाला मुझे नहीं लगा था। खैर बड़ा इंजॉय हमने किया, लेकिन ना अब यहाँ पे स्नो रुक गई हुई थी, हमें कम से कम आधा पौना घंटा हो गया था, यहाँ पे घंटे से ऊपर हो गया था शायद, सना आप ही तो फिर गिर गई थी। तो यहाँ पे मुर्चा कह रहे थे कि सूरज आ गया वह है, तो अब वापस चलते हैं, नहीं तो बर्फ़ जोन सी है ना वो कोड़ा बन जाएगी, तो उसमें ना गाड़ी नहीं चलेगी। तो बस हम यहाँ से जा रहे थे, थोड़ा सा आगे जाके हम रुके थे जहाँ पे बर्फ़ थोड़ी कम हो गई थी सड़क पे, तो वहाँ पे हमने खाना साथ लेके आए थे, यहाँ पे रुक के हमने खाना खाया। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी क्योंकि मैं गाड़ी में जैकेट पहन के नहीं बैठी हुई थी, जैकेट मैंने उतार दी थी, यहाँ पे हम चिकन और वो लेके आए हुए थे,
आलू मटर वाले राइस थे और साथ चिकन था, बस वो लेके आए थे, वो खा रहे थे। तो ये छोटा सा आज का व्लॉग था, छोटा तो नहीं था खैर, लेकिन व्लॉग का मुझे बड़ा याद था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमारा ट्रैक कैसा है, सब कुछ कैसा है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।